खाने पीने का मेन्यू मैंने चेक किया था, काफी कॉस्टली है। और हार्ट की इसको कुछ बीमारियां हैं, बता नहीं सकते। हे भगवान, ये YouTube पे चला जाएगा। कौन सा रोग बता दिया आपने? क्या बोला तूने? तो दोस्तों, ये यहाँ पे हमारे साथ दिल्ली का ग्रुप है, और ये यहाँ पे हमारे साथ प्रखर और आशुतोष, दीपक फ्रॉम झारखंड। ओके, तो दोस्तों बने रहिए व्लॉग में, क्योंकि अभी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। झरने की तरफ हम निकल पड़े। वाह वाह, ये क्या था। तो दोस्तों, अगर आपको मस्ती पसंद आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बिना नहीं जाना। और हम भी चल पड़े हैं। देखिए, झरने की अच्छी आवाज़ आ रही है, काफ़ी अच्छी। यहाँ पे हमारे को मिल गई किटी, और ये भी यहाँ पे नीर वाटर वॉल में नहाने के लिए आई है। ये देखो, म्याऊं 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 म्याऊं। यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है, अगर आप कुछ इंजॉय करना चाहें, मैगी या ऑमलेट वगैरह, तो यहाँ कर सकते हैं, चाय वगैरह साथ में। और यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट भी है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और रह गए। यह है नीर वाटरफॉल, नेचुरल वाटरफॉल है, और हेरिटेज साइट है यहाँ पे, ये उत्तराखंड में। यहाँ पे आना तो एक बार बनता है। ये देखिए, सभी लोग इंजॉय करते हुए, नहाते हुए। दोस्तों, लिरिल का एड चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ नीर वाटरफॉल पे एंजॉय करने के बाद अब हम चल पड़े हैं आगे अपनी कैंपिंग साइट पे, और बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिएगा और एंजॉय करिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, वहाँ ऊपर वाटरफॉल से अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और नीचे जा रहे हैं हम पैदल पैदल। अभी हमारे को वहाँ उधर नीचे की तरफ पहुँचना है मेन हाईवे पे, जिसमें लगेगा करीब करीब 20 मिनट। और तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ आते हैं अपने प्राइवेट पर्सनल व्हीकल से तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप यहाँ ट्रांसपोर्ट से अगर आते हैं, जो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट से, तो आपको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप आते हैं, लेते हैं, रेंट करते हैं एक बाइक, तो 500 से 1000 रुपये में आपको एक दिन के लिए बाइक मिल जाएगी। अगर आप कैब हायर करते हैं तो 2500 रुपये में होती है यहाँ पे कैब हायर। और अगर हमारी तरह आप आते हैं धक्के खाते हुए, तो आप वो भी कर सकते हैं। पर हाँ, मज़ा बहुत आया आज के व्लॉग में। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को अगर नए हैं तो। मैं हूँ आपका अपना फूडी राहुल, चल पड़ा हूँ आगे की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे हमारे को ये ग्रुप दोबारा से मिल गया है, और ये कोइंसिडेंस है हमारे इस ट्रिप में। और ये ट्रिप बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो रही है, क्योंकि हम जा रहे थे कैंपिंग करने के लिए, हम जा रहे थे मोहन चट्टी जहाँ पे हमें कैंपिंग करनी थी, बट हम आ गए हैं अभी फिर से इधर राम झूला पे, कुछ नीचे जाके एक्सप्लोर करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। तो दोस्तों, तो चलिए चल के दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे राम झूला और यहाँ की नाइट लाइफ। तो अब मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ राम झूला की तरफ, और नाइट मार्केट में आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ ऋषिकेश में ना वीकेंड्स पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, तो मेक श्योर आप आए तो प्री बुकिंग करा के आए। यहाँ पे है ये चोटी वाला रेस्टोरेंट, हम यहाँ पे भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ की लोकल मार्केट दिखा देता हूँ।
तो जो है गन्ने का रस निकाला जा रहा है हाथों से। दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको राम झूला पे, और यहाँ पे चल के करते हैं नाइट लाइफ एक्सप्लोर। ये ट्रिप काफ़ी अनसर्टेन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हम सोच रहे थे कि चल के कुछ खाएंगे पियेंगे, इंजॉय करेंगे, कैंपिंग करेंगे, और हमारा कैंपिंग साइट था मोहन चट्टी, बट वहाँ पे ऐसा हम जा ही नहीं पाए बिकॉज़ यहाँ पे ऋषिकेश में इतना हैवी ट्रैफिक है, इतना लंबा ट्रैफिक है, घंटों लग जाते हैं 2 किलोमीटर को कवर करने के लिए। और हमारी ट्रिप बने रहिएगा व्लॉग में, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं जब भी किसी लोकेशन पे जाता हूँ तो आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है व्लॉग में जो आप देखना चाहते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं या मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं। तो आपसे बात करने का और आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का अलग ही एक मज़ा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल रही हैं, वही जो दिल्ली में मिलती हैं। मैं दरअसल दिल्ली से हूँ तो दिल्ली के बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ। दोस्तों ये मार्केट पार करके हम आ गए हैं राम झूला की तरफ, और ये सामने आप देख रहे हैं ये चमकता हुआ इधर से उधर जाता हुआ, ये है ऋषिकेश में राम झूला, नीचे गंगा मैया, और इधर लेफ्ट में ये देख पा रहे होंगे ये है राम झूला। यहाँ पे जो आरती होती है गंगा आरती वो हो चुकी है, वो सामने घाट पे आप देख पा रहे होंगे, वो आरती जो शाम की है वो संपन्न हो चुकी है। यहाँ आरती अभी चली रही है मंदिर में, प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ पे अभी आरती चल रही है। तो बोलिए जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। मैं आ गया हूँ राम झूला के पास, और राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला, ये ऋषिकेश के मेन 3 बड़े झूले हैं। तो चलिए चलते हैं राम झूला पार करते हैं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देख रहे हैं तीर्थयात्री काफ़ी ज़्यादा लंबी तादाद में आज आए हुए हैं, और हम भी अपनी लाइन में खड़े ही हो गए हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं इस झूले को धीरे धीरे करके पार करने का। तो दोस्तों ये राम झूला से जस्ट 2 किलोमीटर आगे है आपका लक्ष्मण झूला, जो हाल फिलहाल में अभी बंद है, और इधर ये बैक साइड में आप जाते हैं तो इधर मिलता है जानकी झूला, जो सीता मैया के नाम पे है, तो माता जानकी मतलब सीता मैया के नाम पे झूला है वो, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वो अभी खुला हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ ऋषिकेश की नाइट लाइफ। टेस्ट कर रहा हूँ ये रबड़ी कुल्फी, और रबड़ी कुल्फी देखें छोटे छोटे कप्स में, और इसकी कॉस्ट करती है 40 रुपीज़। टेस्ट मैं अभी आपको चख के बता देता हूँ थोड़ी देर में। और ये देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे मटकों में कुल्फी बना के देते हैं। एक कुल्फी, कुल्फी राबड़ी कुल्फी, मलाई कुल्फी, मटके कुल्फी, ये कुल्फी राबड़ी कुल्फी, मलाई कुल्फी। देखिए पूरा गोल गोल निकाल दिए इन्होंने ये कुल्फी, और रबड़ी कुल्फी है भैया ये, हाँ भैया ये रबड़ी कुल्फी है।
चलो खा के एक बार मैं टेस्ट बता दूं। ये मैंने ले लिए, बढ़िया भैया, मजा आ रहा है खा के। और ये देसी कुल्फी है यहाँ घाट पर। आज जो थकान हुई थी इससे थोड़ी सी रात तो मिली है चलो खाने के बाद। हाँ, और मैं तो ये देखिए इतनी खा चुका हूँ। तो दोस्तों घाट से हम चलकर आ गए हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट में, और ये देखिए यहाँ चोटी वाले महाराज बैठे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर चल करके कुछ खाते हैं। उन्नीस सौ अट्ठावन से इस्टेब्लिश है ये यहाँ पर, और देख सकते हैं आप ये कितना स्वादिष्ट बनाते हैं जो इतनी भीड़ मची रहती है। तो अभी जस्ट अपनी एक टेबल पकड़ते हैं, और टेबल पकड़ के फटाफट कुछ डिनर वगैरह करते हैं। चोटी वाला नंबर वन, और यहाँ है चोटी वाला नंबर टू। तो दोस्तों ये रेस्टोरेंट है चोटी वाला रेस्टोरेंट, दो भाइयों के रेस्टोरेंट हैं साथ साथ जुड़ लगे हुए। और खाने पीने का मेन्यू मैंने चेक किया था, काफ़ी कॉस्टली है। नॉर्मल जो है दाल मखनी 250 रुपये है, और 250 रुपये में तो दिल्ली में लोग आराम से अपना पेट भर के बूफे अटेंड जी भर के खा लेते हैं, जितना चाहो उतना खाओ खा लेते हैं। राम झूला, गंगा जी बह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे हमारे जेडी भाई ने लगा दिया है टेंट, और आज का हमारा रात का स्टे यहीं होने वाला है।